आज जो यूनियन बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री साहिबा के द्वारा, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उसमें पंजाब का कोई नामो निशान ही नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी की झांकी पंजाब की गायब थी, रिपब्लिक डे से पंजाब गायब था, अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। हमने, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि BSF उनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बॉर्डर की, क्योंकि ड्रोन वगैरह बहुत आते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया, तो सिर्फ कागज़ में लिपटा हुआ एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी की है आय उनकी, MSP के नाम से तो ये सरकार, मेरे ख्याल में सेंट्रल सरकार जो है चिढ़ती है। तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई MSP नहीं दी गई। पंजाब जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसने 90% कुर्बानियाँ देश को आज़ाद करवाने में और अभी भी देश की आज़ादी को कायम रखने में हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो ऐसा पंजाब के साथ अन्याय जो है वो अच्छा नहीं है। भैया मुझे लगता है कि भगवंत मान को इस बात की नॉलेज ही नहीं है। भगवंत मान जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 1000 करोड़ रुपया हमने मांगा कि हमने BSF को मॉडर्नाइज करना है, बाहर से जो ड्रोन आ रहे हैं उसकी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आनी है। भैया पंजाब के अफसरों को चाहिए कि भगवंत मान को समझाते कि BSF पंजाब के अंडर नहीं है, वो पंजाब की पुलिस नहीं है, वो केंद्र के अंडर है, केंद्र का काम है, तो आपने उसके लिए बजट क्या करना मेरे भाई। और आप कहते हो कि कुछ नहीं किया, 7 लाख रुपए तक आमदन करने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स से राहत है, ये राहत नहीं है। और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना 1 साल के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, और राशन 1 साल देंगे। और दूसरी बात मैं कहूं, बुजुर्ग जो हमारे हैं उनके लिए अलग से योजनाएं हैं, 30 लाख तक वो अपने बैंक में जाके सीधा जमा करवा दें, कोई नहीं पूछेगा उन्हें, और 8.5% ब्याज घर बैठे उन्हें मिलेगा। ये खराब योजना है क्या? बहनों के लिए भी 1% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ये योजना कम है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 9000 करोड़ रुपया रखा गया है, ये खराब योजनाएं हैं। गरीब कारखानेदार अपने कारखाने नहीं लगाए, 9000 करोड़ रुपया उसके लिए भी रखा गया है। भगवंत मान को ये क्या नजर नहीं आता? मुझे लगता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा बजट रख लिया गया है ताकि किसानों की हालात को सुधारा जाए, ये क्या पंजाब के किसान उसमें नहीं शामिल होंगे? ये पंजाब के किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है, कारखानेदारों का बजट है, ये जानदार बजट है, ये शानदार बजट है।